हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं ई टेलिंग के बारे में कि ई टेलिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है एज अ रिटेलर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पर आकर के कॉमर्सी पाठशाला में आकर इस तरीके से यहाँ रेड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में जाना है और यहाँ 119 रुपीज का फी है जिसे आपको पेमेंट करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप मोर अबाउट वर्ड्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा जिसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगी, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो, और आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, 1 रुपए भी आपको असाइनमेंट्स के लिए अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं है, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे किसी भी तरह की गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आपको चाहिए किसी भी बात पे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको अगर ऑन डिमांड लेक्चर्स चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान लेना होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। और एक चीज बात कि आप जब भी स्टडी करें तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू करें। प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं। इनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स आप ला पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि ये ब्लॉक 5 ई टेलिंग जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो रिटेलिंग को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो हम उसे ई टेलिंग करते हैं। मैंने एक लाइन में आपको सारी चीजें बता दी कि रिटेलिंग को जब हम ई टेलिंग करते हैं तो हम उसे कहते हैं ई-टेलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो उसे हम कहते हैं ई-टेलिंग। फॉर एग्जांपल बिग बाजार का आपने नाम सुना होगा, बिग बाजार एक रिटेल स्टोर है जहाँ पे हम जाते हैं और बहुत सस्ते दामों पे हम अपने सामानों को खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे उपलब्ध होती हैं और हम उसको खरीद पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको फिजिकल स्टोर में जाना पड़ रहा है तो हम उसे रिटेल कहेंगे। लेकिन जब आप चीजों को ऑनलाइन खरीदोगे, जब आप चीजों को ऑनलाइन जाकर के आप चीजों को खरीदोगे तो हम उसे कहेंगे ई-टेलिंग, है ना, ई रिटेल, जिसका मतलब होता है ई-टेल, शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है ई-टेल, है ना। तो रिटेलिंग ई-टेलिंग, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर। फिर भी मैं बुक्स में जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ा देता हूँ। रिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट। रिटेल में क्या होता है, सिंपल सा, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है कस्टमर्स को ताकि उनको जो है प्रॉफिट हो सके वाया डिफरेंट चैनल्स, है ना, वाया डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स। रिटेलर सेटिस्फाई डिमांड एंड आइडेंटिफाइड थ्रू अ सप्लाई चेन। रिटेलर जो होते हैं वो डिमांड को सप्लाई करते हैं और खुद को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू अ सप्लाई चेन। द टर्म रिटेलर इज टिपिकली अप्लाइड वेयर अ सर्विस प्रोवाइडर फिल्स एंड स्मॉल ऑर्डर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एंड यूजर्स रादर देन द लार्ज ऑर्डर्स ऑफ द स्मॉल नंबर्स ऑफ होलसेलर्स। तो रिटेल जो होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स को केटर करता है, होलसेलर जो होता है वो एक लार्ज नंबर ऑफ चीजों को केटर करता है। यहाँ पे एग्जांपल्स में आ जाएंगे कॉर्पोरेट, जैसे गवर्नमेंट कोई क्लाइंटेल हो गया, यहाँ पे रिटेलर्स एक तरीके से काम करते हैं। दस रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स ऑन ए फिजिकल लोकेशन वेयर द सेलर एंड द बायर मीट इन पर्सन। तो रिटेल क्या हो गया, एक फिजिकल लोकेशन, जैसे कि बिग बाजार का मैं एग्जांपल दे रहा था, किसी एक फिजिकल लोकेशन पे होगा जहाँ पे बायर और सेलर जाकर के एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और सामान को खरीदेंगे। वेयर एज ई-टेल, जो कि रिटेल का ही एक तरीके से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वहां पे एक सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो ऑनलाइन होती है, इंटरनेट पे होती है और वहां पर ट्रांजेक्शंस हैपन होते हैं एक डिजिटल एनवायरनमेंट पे। वेरियस पॉपुलर प्लेयर्स ऑफ ई-टेलिंग आर, अब ई-टेलिंग के कौन कौन से पॉपुलर प्लेयर्स हैं, यहाँ पे देखो अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, ईटीसी, है ना, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच रही है तो ये ई-टेलर्स कहलाएंगे, है ना। और जो रिटेलर्स हैं जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, बिग बाजार, जिसके लिए आपको उनके स्टोर पे जाना होगा उनकी चीजों को परचेस करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड ई-टेल। रिटेल को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे तो वो हमारा ई-टेल कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिटेलर्स। ठीक है, रिटेलर्स के व्यू पॉइंट से कौन कौन से फायदे हैं इसके और कौन कौन से नुकसान है, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है लोकेशन यूटिलिटी। तो यहाँ पे किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी लोकेशन की, आपको किसी लोकेशन पे दुकान नहीं खोलना होगा, आप ऑनलाइन अपनी दुकान खोलो इलेक्ट्रॉनिकली और अपनी चीजों को वहां पे लिस्ट कर दो, लोग वहां से परचेस करेंगे और आपको फायदे होंगे,
है ना। सो लोकेशन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेंशनल रिटेलिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कन्वीनियंस यूटिलिटी टू इट्स कस्टमर्स, है ना। तो अगर रिटेलर की बात करें तो रिटेलिंग में लोकेशन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो सही जगह पे होना इंपॉर्टेंट है, और जिससे जरिए जो है जो रिटेलिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो पाता है, लोग जाकर के फिजिकली चीजों को खरीद पाते हैं। लेकिन हाउएवर इन ई टेलिंग लोकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ई टेलिंग के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चीजें ऑनलाइन हो रही है तो आपको किसी फिजिकल लोकेशन पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटेलर्स एंड कस्टमर्स नीड इंटरनेट फॉर ई टेलिंग। रिटेलर्स और कस्टमर्स के लिए रिटेलिंग करने के लिए, आई मीन ई टेलिंग करने के लिए, ऑनलाइन चीजों को खरीदने के लिए उनको सिर्फ इंटरनेट की आवश्यकता है, ना कि किसी फिजिकल लोकेशन की। ई टेलिंग एंड ट्रांजेक्शन कैन हैपन फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम विद इन द कंट्री और ओवरसीज, है ना। ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो पूरे इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं या इंडिया के बाहर से भी हो सकते हैं। तो लोकेशन यूटिलिटी सबसे बड़ा फायदा है ई टेलिंग का। दूसरा है लेस एक्सपेंसिव। रिटेलर्स के लिए ये जो है, अब देखो रिटेलर मतलब क्या, जिसका बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस को अगर किसी फिजिकल लोकेशन में लगाएगा तो उसके लिए तो बहुत खर्चे हो जाएंगे ना, तो उतने पैसे कहाँ चलाएगा। लेकिन जब वो ई टेलिंग कर रहा है, जब वो चीजों को ऑनलाइन बेच रहा है, तो उसको लोकेशन के लिए कोई खर्चा नहीं पड़ रहा है, तो उसके पैसे बहुत सारे बच रहे हैं, है ना। तो लोकेशन यूटिलिटी हो गया रिटेलर के लिए। अब है लेस एक्सपेंसिव, तो रिटेलर को ये कम सस्ता भी पड़ता, इसको सस्ता भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लोकेशन तो आपको लेना नहीं है, ना सेल्समैन रखने का खर्चा, ना किसी तरह का प्रीमाइसेस कॉस्ट का खर्चा। जहाँ पे आप अपना शॉप रखते हो वहां के लिए आपको प्रीमाइसेस कॉस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में काहे का प्रीमाइसेस और काहे का प्रीमाइसेस कॉस्ट, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरनेट का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, ई-टेलिंग इज लेस एक्सपेंसिव एज इट सेव्स वेजेस ऑफ सेल्समैन। देखो यहाँ क्या क्या बच रहा है, वेजेस बच रहा है सेल्समैन का, प्रीमाइसेस कॉस्ट बच रहा है, और जो मेंटेनेंस होता है उस प्रीमाइसेस का उसका भी खर्चा उसका बच रहा है। तो एक एक तरीके से रिटेलर के लिए ये जो है बहुत ही फायदेमंद डील है। यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सारी चीजें बस ऑनलाइन हो रही है, आपको ऑनलाइन बस चीजों को लेकर के जाना होता है। हाई रीच, डेफिनेटली अगर आप ई टेलिंग कर रहे हो ऑनलाइन पे, अगर अपनी चीजों को बेच रहे हो तो उसका जो डिमांड होगा, जो उसकी जो यू नो सप्लाई होगी, वो भी एक तरीके से ग्लोबल हो, ग्लोबल नहीं मतलब पूरे इंडिया में आप ग्लोबल होगी, जिसके लिए आपको किसी एक जगह पे नहीं रहना पड़ेगा, आप कहीं से भी चीजें जो है कर सकते हो। आपका रीच जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी हो पाएगा, है ना। जब आप कोई फिजिकल स्टोर खोलते हो, सपोज एक फिजिकल स्टोर है कोलकाता में बिग बाजार का और कहीं नहीं है, तो पूरे इंडिया में कहीं और स्टोर नहीं है, हालांकि है, मैं मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सपोज सिर्फ कोलकाता में है, तो कोलकाता के लिए पॉसिबल तो नहीं है कोलकाता बिग बाजार के लिए कि वो जो है पूरे इंडिया में अपने सामान को बेच पाए, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपना स्टोर को ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन चीजों को जाकर के सेल करो, तो ये पॉसिबल है कि आप अपने सामान को पूरे ऑल इंडिया बेच सकते हो, है ना। तो जो रीच है वो आपका बहुत बढ़ जाता है ई-टेलिंग के केस में। सो इंटीग्रेशन विद कस्टमर्स इज हाई इन ई-टेलिंग एज कस्टमर्स कैन बी लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, है ना। थ्रू इंटरनेट ई-टेलर्स कैन रीच टू लार्ज ऑडियंस, राइट। जो मैंने बात बताई वही बात बोली गई है। 24/7 बिजनेस, देखो फिजिकल स्टोर जो होता है वो 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा खुला रह सकता है, 12-14 घंटे, उससे ज्यादा तो वो नहीं खुला रहेगा, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो ई टेलिंग होती है उस वहां पे स्टोर्स को खोलने का कोई झंझट ही नहीं है। 24/7 365 डेज इन अ ईयर वो सुबह शाम जो है खुला ही है। जब आपको कुछ खरीदने का मन किया आप गए खरीदे और लेकर के आ गए घर, है ना। तो 24/7 बिजनेस होता है। द टाइम यूटिलिटी फॉर द कस्टमर इज हाई इन ई टेलिंग एज कस्टमर्स कैन बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, है ना। 24 बिजनेस यहाँ पे होता है, जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी टाइम कहीं से भी खरीद सकता है। दिस इज द मेन एडवांटेज। इसके बाद है फीडबैक। देखो फिजिकल स्टोर में कई बार ऐसा होता है कि फीडबैक ठीक तरीके से मिल नहीं पाता, क्योंकि फिजिकली सबसे सबके पास जा करके, सारे कस्टमर्स के पास जा करके फीडबैक वन बाय वन लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ई टेलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आप अपने चीजों को सेल कर रहे हो, तो लोग आपको ऑनलाइन ही फीडबैक दे पाएंगे, जिससे आप अपना यू नो खुद को आप इंप्रूव कर पाओगे। किस तरीके से इंप्रूव करना है उसके बारे में वो खुद आपको बताएंगे। सो इट्स ईजी टू मेक मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन ई टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स। यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत आसान होता है कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना अगर आप ई टेलिंग बिजनेस कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स के पास से आपको फीडबैक भी मिलती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑन बिहाफ लाइक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिटेलर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अब कौन कौन से इसके नुकसान है। पहला है लैक टू इंफ्रास्ट्रक्चर। रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से नुकसान है ई टेलिंग के। द इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन फंक्शनिंग ऑफ ई टेलिंग सर्विसेज। ऑल्सो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई इन ई टेलिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जहां जहां पे इंटरनेट नहीं है,
या जहां पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है वहां पे हो सकता है आपका ई-टेलिंग बिजनेस ठीक तरीके से काम ना कर पाए, है ना। सपोज कोई गांव देहात का इलाका है जहां पे इंटरनेट बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे 4G नहीं पहुंचा है, 5G नहीं पहुंचा है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे आपका जो ई-टेलिंग का बिजनेस है वहां पे ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, या वहां के लोग आपके ई-टेलिंग बिजनेस के सामान नहीं मंगवाएंगे, वो जाएंगे भाई फिजिकल स्टोर में ही। आप समझ रहे हो, तो ये एक दिक्कत होती है एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी इशू के कारण, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। और हाँ, एक लाइन यहाँ पे और बोली गई है कि जो इनिशियल स्टेज पे जो आपको पैसे लगते हैं ई-टेलिंग करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए ऑनलाइन, आपको बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करना पड़ता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज टू स्टार्ट एन ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोजेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज एंड नॉट ऑल रिटेलर्स हैव इट, है ना। तो जब आप ई-टेलिंग स्टार्ट कर रहे हो, जब आप बड़े लेवल पे यू नो अमेज़न जैसी कंपनी बनना चाह रहे हो, फ्लिपकार्ट जैसे यू नो ऑनलाइन जाकर के चीजों को बेचना चाह रहे हो, तो आपके पास छोटा मोटा अगर आइडिया होगा ई-टेलिंग का तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि हर रिटेलर्स के पास नहीं होती है, कुछ कुछ के पास ही हो पाती है, राइट। तो ये दूसरा एक तरीके से डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। सो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक चैलेंजेस इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटीज इन ई-टेलिंग बिजनेस। तो जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक जो चैलेंजेस हैं, माफी चाहूंगा, वो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको बढ़ा देता है ई-टेलिंग लॉजिस्टिक्स में। लाइक कैश ऑन डिलीवरी इंक्रीज द ऑपरेशनल साइकिल, मैनेजिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स, पुअर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इन रूरल रूरल एरियाज एंड प्रॉब्लम्स इन द क्रॉस नेशन शिपमेंट्स, है ना। तो ये सारी देखो प्रॉब्लम्स हो रही है जब आप चीजों को ऑनलाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, जब आप कैश ऑन डिलीवरी करने गए तो सपोज वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, आपका जो ऑपरेशनल साइकिल है वो बढ़ जाता है। फिजिकल स्टोर में क्या है कि आप आज के आज गए और आज के आज आप सामान अपना लेकर के आ गए, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में आपको कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लगता है सामान को घर आने में, है ना। तो आपको ऑपरेशनल साइकिल बढ़ जाता है, यहाँ पे आपको हाई रेट्स ऑफ रिटर्न एक तरीके से मैनेज करने के लिए भी एक्स्ट्रा लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी एक डिफरेंट एक इशू है। पुअर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर आपका रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी, और रूरल एरियाज में तो पुअर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता ही है। पहला बात तो वो लोग ऑर्डर नहीं करते हैं, ऑर्डर करते हैं तो आपको आपको वहां पे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके ऑर्डर को शिप करेंगे, प्लस अगर आपको क्रॉस नेशन शिपमेंट्स पहुंचानी है तो और ज्यादा दिक्कत है ना। आपको ढूंढना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपका कौन बनेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये ई-टेलिंग बिजनेस बड़ा होता जाता है, या नहीं भी होता है, स्टार्टिंग में भी ये जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही टफ होता है, जिसको क्रैक करना होता है रिटेलर्स को, है ना। कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, सो ई-टेलिंग में कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरी, डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ डिलीवरी, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन सेट्स, हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स, है ना। तो ये सारे देखो वो इश्यूज है जो कि हो सकती है, जिसके बारे में कस्टमर्स का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे कि डिलीवरी की फ्लेक्सिबिलिटी, कहाँ पे रिसीव करना है, होम पे या ऑफिस में, एड्रेस पुटअप कर दो, कितने टाइम के भीतर रिसीव करना है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है ना। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जब आप प्रोडक्ट को अपने बेच रहे हो तो उसके बारे में हर एक जानकारी आपको ऑनलाइन डालनी पड़ती है ना। साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिलीवरी का सिक्योरिटी हो गया, हो सकता है आपका सामान रास्ते में ही कहीं चोरी हो जाए, आप समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है ई-टेलिंग बिजनेसेस से, कि वो जो है इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगला है लैक ऑफ पर्सनल टच। तो यहाँ पे डेफिनेटली लैक ऑफ पर्सनल टच है। जब आप फिजिकली किसी सामान को खरीदते हैं तो आप सेल्समैन से बात करते हैं, उनके साथ एक तरह का रिलेशनशिप तैयार होता है, वो आपको बेस्ट एक सामान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्सनल टच तो है ही नहीं। अगर आपको किसी से कंप्लेन करना होगा, कुछ बोलना होगा, तो आप फेस टू फेस किसी से बात करके कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत होती है। So lack of face-to-face interaction, persuasion and handling the customer's query is a major disadvantage in e-tailing. जैसा कि मैंने आपको बताया कि face-to-face interaction कम हो रहा है, persuasion और handling the customer's query जो कि online होती है वहां पे सबसे बड़ा इसका disadvantage है। face-to-face होने से चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान रहती हैं और customers को satisfaction भी होता है। हाई कॉम्पिटिशन ई-टेलिंग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हाई कॉम्पिटिशन है, आप सोच भी नहीं सकते कितना कॉम्पिटिशन है। ई-टेलर्स हैव टू कम्पीट विद अदर ई-टेलर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स इन द मार्केट, है ना। तो ऑनलाइन जो कॉम्पिटिशन है, जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनके साथ तो उसका कॉम्पिटिशन है ही, प्लस जो फिजिकल है,
जो एक देखो अचानक से लोग दुकानें जाना बंद नहीं कर देंगे, सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करना वो लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बट फिर भी जितना भी उन लोगों ने स्टार्ट करा है तो ये चीजें अचानक से तो बंद होंगी नहीं, तो इसलिए इनका कॉम्पिटिशन सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं होता, ऑफलाइन रिटेलर से भी होता है। तो हाई कॉम्पिटिशन होने के चांसेस यहाँ, चांसेस क्या, हाई कॉम्पिटिशन यहाँ पे होता है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ई टेलिंग फॉर रिटेलर्स, है ना। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बायर, कि बायर के हिसाब से, मेरे जैसे बायर के हिसाब से क्या क्या हमारे पास फायदे हैं ई टेलिंग के और क्या क्या हमारे नुकसान है। सबसे पहला जो फायदा यहाँ पे है वो ये है कि टाइम यूटिलिटी एट कंज्यूमर्स कैन शॉप 24/7। यहाँ पर टाइम यूटिलिटी है, आपका टाइम बचता है, आप कभी भी खरीद सकते हो 24/7, है ना, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप 24/7 कभी भी खरीद सकते हो। प्लेसेस यूटिलिटी एज कंज्यूमर्स कैन शॉप फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, आप घर पे बैठे हो, ऑफिस पे बैठे हो, दिल्ली गए हो, मुंबई गए हो, कहीं भी गए हो, आप चीजों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। कन्वीनियंस यूटिलिटी एज कंज्यूमर्स कैन शॉप फ्रॉम एनी मोड वाया कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल। अब यहाँ पे कन्वीनियंस यूटिलिटी है बिकॉज कंज्यूमर जो है किसी भी डिवाइस से खरीद सकता है, लैपटॉप से खरीद सकता है, मोबाइल से खरीद सकता है, टैबलेट से खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है ना। तो ये चीजें एक तरीके से फैसिलिटी है बायर के पास। सो ऑप्शन यूटिलिटी एज कस्टमर्स कैन गेट वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन वाया ई टेलिंग। अब देखो जब आप फिजिकल स्टोर में जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, है ना, लेकिन जब आप ऑनलाइन चीजों को सर्च करते हो तो सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज का जो है वहां पे दिया हुआ रहता है, आप वहां पे कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है आप उसको खरीद सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ई टेलिंग फॉर बायर्स का। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो कस्टमर्स मे बी अनसर्टेन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड ऑनलाइन। अब जब आप चीजों को फिजिकली खरीदते हो तो देखो तो आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, आप खुद जाकर के फिजिकली चेक कर रहे हो, लेकिन जब आप चीजों को ऑनलाइन कर रहे हो तो आप ये चीजें नहीं कर पाते हो, राइट। आप अनसर्टेन रहते हो कि जो क्वालिटी आएगी प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी नहीं होगी, है ना, तो सर्विसेज मिलेंगे वो कैसे होंगे वगैरह वगैरह, तो इस चीज को लेकर के आप हमेशा अनसर्टेन और डाउट में रहते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है ई टेलिंग का बायर्स के लिए। दूसरा है फियर रिगार्डिंग ऑनलाइन फ्रॉड एंड लॉस ऑफ मनी। तो ऑनलाइन अगर आप चीजें करते हो तो आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोगों के मन में ये डर भी होता है कि कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, उनके पैसे कहीं डूब ना जाए, है ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एवरी टाइम नॉट एवरी प्रोडक्ट इज अवेलेबल, और हर एक प्रोडक्ट हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, हालांकि ये फिजिकल स्टोर्स में भी होता है बट ऑनलाइन में ये कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई का इश्यू है, डिमांड बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगी तो चीजें खत्म हो जाएंगी, आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना, तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे कस्टमर जो ऑडियंस है, जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण से कोई भी प्रोडक्ट मिनटों में खत्म हो जाता है ना, तो सारे टाइम सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, अब जिनको आइडिया नहीं होगा टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हैं, जिनके पास फोन ही नहीं है वो कैसे करेंगे इन सब चीजों को, राइट, तो ये भी वन ऑफ द डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था जहां पे मैंने आपको डिटेल में डिटेल में ई टेलिंग क्या होता है वो बताया है, और आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताया है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिटेलर एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर बायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।